और एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, भारत चीन की कमांडर स्तर की बैठक होगी। भारत चीन के बीच सातवें दौर की बैठक होगी। विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। एलएसी पर और सैनिक ना भेजने पर सहमति बनी है, लेकिन जिनपिंग में एक डर बैठा हुआ है। चीन का सरेंडर, भारत के आक्रामक रवैये से बैकफुट पर चीन। चीन का किसी से युद्ध का इरादा नहीं है, ये जिनपिंग ने कहा है। जिनपिंग ने यह भी कहा है कि ना कोल्ड वॉर चाहते हैं ना हॉट वॉर, किसी से युद्ध नहीं चाहता है चीन। तो वहीं ग्लोबल घेराबंदी से चीन बैकफुट पर है। जिनपिंग के सुर बदल रहे हैं, भारत के आक्रामक रवैये से चीन बैकफुट पर आ गया है। 100 सेकंड में देखिए कैसे चीन एलएसी से भागने का बहाना तलाश रहा है। क्या लद्दाख बॉर्डर पर आर पार जंग के हालात बने रहेंगे? आखिर कब तक भारत और चीन के 1,00,000 सैनिक रणभूमि में डटे रहेंगे? आखिर कब तक दो मुल्कों के बीच टकराव पीक पर रहेगा? फिंगर फोर, हॉट स्प्रिंग्स और देपसा, यही वो तीन इलाके हैं जहां अप्रैल मई के महीने से चाइनीज आर्मी बैठी है, तो भारत के तेवर भी बेहद सख्त हैं। एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने की भारत की पूरी तैयारी है, और इंडियन आर्मी पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन सेना पर हर तरह से भारी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान का शौर्य देखकर चीन ने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया है। चीन एलएसी की नजाकत भांपकर अब बॉर्डर छोड़कर भागने के बहाने तलाश रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। शी जिनपिंग कहते हैं, चीन का किसी से युद्ध का इरादा नहीं है, न कोल्ड वॉर चाहते हैं न हॉट वॉर। इसके अलावा यूएन में जिनपिंग ने सभ्यताओं के टकराव पर ज्ञान भी दिया। यूएन में चीन की ग्लोबल घेराबंदी का डर जिनपिंग के बयानों में साफ दिखाई दिया। चीन अब बैकफुट पर है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के जंगी बेड़े ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए तैयार खड़े हैं, तो एलएसी पर हिंदुस्तान के योद्धा भी चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए बेकरार है। तो दूसरी तरफ ताइवान की शेरनी भी जिनपिंग का गुरूर तोड़ने के लिए बेताब, यानी अब जिनपिंग चौतरफा घिरे हैं जिससे उनकी हेकड़ी निकल रही है, और चीन की जिद भी अब नरम पड़ रही है। ड्रैगन अब बातचीत से हल चाहता है। यही वजह है कि अब भारत चीन के बीच सातवें दौर की बैठक होगी। लद्दाख बॉर्डर पर विवाद सुलझाने का रास्ता साफ होगा, लेकिन दगाबाज चीन के विश्वासघाती अतीत को देखते हुए सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पीठ में खंजर घोंपना बीजिंग के लाल सुल्तान की पुरानी फितरत है। तो वहीं चीन का नया प्रोपोगेंडा वीडियो सामने आया है। इस बार ड्रैगन ने अक्साई चीन में मिसाइलों से आतिशबाजी की है और युद्ध का फर्जी माहौल बनाया है। 100 सेकंड में देखिए पीएलए का वॉर सीन, झूठा मक्कार फरेबी चीन। बड़बोले चीन की डरपोक आर्मी ने वॉर रिहर्सल का नया वीडियो जारी किया है। अक्साई चीन से लेकर साउथ चाइना सी तक इस वीडियो में वॉर का ही सीन है। युद्ध रिहर्सल के जरिए बम बरसाकर वॉर प्रैक्टिस कर रही है ड्रैगन की डरपोक और कायर फौज। एक तरफ यूएन में जिनपिंग बोल रहे हैं कि चीन जंग नहीं चाहता, तो दूसरी तरफ वीडियो के जरिए सन की तानाशाह की युद्ध वाली सनक का शक्ति प्रदर्शन सवाल उठा रहा है। ये देखिए इस नए वीडियो के जरिए पीएलए कैसे अपनी खोखली ताकत दिखा रही, जंग का माहौल बना रही, ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ड्रैगन आर्मी सर्वशक्तिमान है। कल शाम चीन की वीडियोबाज आर्मी की ये तस्वीरें भी सामने आई। इस वीडियो क्लिप के जरिए पीएलए का अक्साई चीन में नया प्रोपेगेंडा दिखाई दिया। इस वीडियो में चाइनीज आर्मी एडवांस J-10A अटैक हेलीकॉप्टर से लाइव फायर ड्रिल करती नजर आई। देखिए इन तस्वीरों में पीएलए के कई J-10A अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे हैं और मिसाइल दाग रहे हैं। देखिए J-10A अटैक हेलीकॉप्टर से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागने का हैरतअंगेज ये वीडियो, अटैक हेलीकॉप्टर से चाइनीज आर्मी का फिल्म जैसा सीन। तो एक और वीडियो में पीएलए के सैनिक एक जेट को रस्सी से खींचने की प्रैक्टिस करते नजर आए। एक युद्धपोत पर चाइनीज आर्मी का ये खेल मनोबल बनाए रखने के लिए अच्छा है, लेकिन दुनिया जानती है कि पीएलए के सैनिक युद्ध में कच्चे हैं और असली युद्ध के लिए अभी वो बच्चे हैं। लेकिन ड्रैगन ये भूल गया है कि दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हिंदुस्तान के युद्धवीर अपनी सरहद की निगेबानी में मुस्तैद हैं। ऐसे में ड्रैगन कितना भी वॉर रिहर्सल वाला फर्जी शक्ति प्रदर्शन दिखाए, वीडियो गेम वाला शौर्य बताए, उसकी बुजदिल आर्मी को धूल चटाने के लिए हिंदुस्तान के जाबाज हर वक्त तैयार खड़े हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी